उत्तराखंड में बंजर भूमि से मुनाफा कमाने के लिए राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई की सहायता से 7,652 हेक्टेयर क्षेत्र में 109 क्लस्टरों के माध्यम से कुल 21,009 काश्तकार सुगंध फसलों की खेती से जुड़े हैं। उद्यमी काश्तकारों को प्रसंस्करण की सुविधा हेतु क्लस्टरों में 187 आसवन संयंत्र सब्सिडी व तकनीकी सहयोग से स्थापित किए गए हैं। जनपद चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में 379 किसानों द्वारा 64.5 हेक्टेयर पर्वतीय भूमि पर दमस्क गुलाब की खेती की जा रही है। दमस्क गुलाब से काश्तकार द्वारा गुलाब जल व गुलाब तेल का उत्पादन किया जा रहा है। किसानों द्वारा प्रति वर्ष लगभग 225 क्विंटल गुलाब जल तैयार किया जाता है, जिससे उन्हें 56 लाख रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। चमोली के अलावा अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी व पिथौरागढ़ जनपद में भी दमस्क गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में संयुक्त रूप से दमस्क गुलाब की नर्सरी व कृषिकरण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जो कि जनपद अल्मोड़ा में 500 हेक्टेयर भूमि को दमस्क गुलाब वैली के रूप में विकसित करने की शुरुआत है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां 23 सगंध तेलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में खाली पड़ी बंजर भूमि पर सगंध पौधों की खेती कर किसान अन्य पारंपरिक फसलों की अपेक्षा अधिक आमदनी कमा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की नीतियों और कोशिशों का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड के किसान आर्थिक तौर पर मजबूत बन रहे हैं। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि।